बोट अभी नहीं चलता है क्या? 45 का घुमाओगे? तो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम आ चुके हैं बनारस और आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जर्नी दिखाएंगे, आप कैसे पहुंचे और कौन कौन से घाट घूमने जो है, आप शॉर्ट टाइम में मतलब कम समय में आप कैसे घूमे बनारस, तो संपूर्ण जानकारी देंगे। ये देखिए, ये है बनारस रेलवे स्टेशन, जो कि पहले मरवाड़ी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। और जब रात्रि में जब लाइट वाइट इसमें जलता है ना, बहुत ही मस्त लगता है। और अभी का जो टाइम हो रहा है वो 1:10 हो रहा है। ये चारों तरफ से पानी वानी सब इधर से फेंकता है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आपको टैक्सी वगैरह सब कुछ और वहाँ पे आपको ऑटो जो वगैरह मिल जाते हैं। बाकी आप जब भी आओ तो हमारा वीडियो देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेगी। और यहाँ पे आपको एक रेलवे का इंजन देखने को मिल जाता है और वहाँ पे एक आई लव बनारस, जब नाइट में जब वहाँ पे लाइट होती है तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है आई लव बनारस में। बाकी यहाँ ये है ऐसा कुछ है, और बनारस और बनारसी जंक्शन दोनों जंक्शन जो है वो अलग अलग है। आपको बता दें, ये बनारस जंक्शन जो है वो पहले मरवाड़ी के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदल के बनारस कर दिया गया है। फिलहाल अभी हम चलते हैं, ऑटो पकड़ते हैं और कहाँ जाएंगे इसके लिए आपको फुल ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑटो बुक कर लिए हैं, ऑटो पैक करके चलेंगे। तो यहाँ पर हम ऑटो बुक कर लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं नमो घाट। वैसे बनारसी जो है वो घाटों का शहर माना जाता है, बहुत सारे घाट यहाँ पे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नमो घाट। तो गाइज, अभी हम पहुँच चुके हैं नमो घाट, ऑटो पकड़ के डायरेक्ट आ गए थे नमो घाट के लिए, वहीं से डायरेक्ट मिल जाती है आपको। तो अभी हम चल रहे हैं नमो घाट और सामने देख रही थी गंगा मैया है, तो फटाफट से अभी चलते हैं हम नमो घाट। बनारस में कुल घाटों की संख्या बताएं तो 84 बताया जाता है यहाँ पे, कि 84 घाट यहाँ पे है जो कि अलग अलग स्थान पे है। अभी जो हम आए हैं वो है नमो घाट, ये है आपका नमो घाट। और जो इसका मेन है वो वहाँ बनाया गया है, जो आपको हाथ सा दिख रहा होगा जुड़ा हुआ, वहीं पे हम अभी जाएंगे थोड़ा देर में। और ये मतलब इसका पुराना नमो घाट है मतलब। और वहाँ पे आपको अगर आप गंगा मैया में यहाँ पर अगर घूमना चाहते हैं, बोट का मज़ा लेना चाहते हैं, तो वो आपका दिख रहा होगा सामने से, वहाँ से बोट का आप मज़ा ले सकते हैं। बोट का भी किराया अलग अलग होता है, बाकी हम आपको कोशिश करते हैं बताने के लिए कि कितना रुपये बोट का किराया लगता है और क्या रहता है फेयर वगैरह। तो क्योंकि बोट से भी मज़ा आता है थोड़ा सा घूमने में, तो आप देख लेना। बाकी अभी हम चलते हैं नमो घाट के, जब आप वहाँ जो हाथ लाए वहाँ पे चलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब भी आप आओ बनारसी में तो घाट घूमना है ना आपको, तो संध्या काल में ही निकलो, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ होती है और चारों तरफ ना लाइट ही लाइट मतलब जगमा लाइट से जगमग सा लगता है और अच्छा भी लगता है। और शाम के समय बोटिंग वोटिंग करने में भी मज़ा आता है। और अभी आप देख सकते हैं, अभी आपको यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा आपको, क्योंकि धूप है, धूप में कोई निकलता नहीं है और संध्या काल में आरती भी होती है। तो आप प्रेफर करो कि आप संध्या काल में ही निकलो, आप आगे बनारस घूमने आ रहे हो तो। बोट अभी नहीं चलता है क्या? नहीं सर, अभी नहीं आया, शेयरिंग वाला भी नहीं है। कौन वाला खोज रहे हैं? कोई सा भी स्पीड बोट चलता है राउंड वाला, वो कोई सा भी इधर मिल जाएगा। हाँ, इधर ही घूम लेंगे थोड़ा सा, अकेले हैं नहीं, दो लोग हैं। शेयरिंग वाला है? शेयरिंग वाला कितने का है? 10 घाट घुमाओगे? 10 सुमेर घाट? 45 घाट घुमाओगे? कितने? 150 रुपये। अच्छा, अब वैसे अच्छा 1500 मतलब बड़ा बोट होगा है ना ये बोट। तो गाइस अभी जो देख रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश और देवप्रयाग का, आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो उसमें बहुत ही ज़्यादा गंगा मैया वहाँ पे साफ रहती है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप मतलब कुछ खास साफ सफाई का ध्यान नहीं दिए हुए हैं। हाँ, बेशक से थोड़ा सा ऊपर में अच्छा सा कंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन थोड़ा सा नीचे भी अच्छा सा इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ के पता नहीं क्या है, नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे संसदीय क्षेत्र है ये, थोड़ा साफ़ सफाई और अच्छा से होना चाहिए। और कचरे यहाँ के लोकल लोगों का भी तो गलती है ना भाई, लोकल लोग मतलब लोकल लोग इन द सेंस कि जो यहाँ पे आते हैं घूमने फिरने के लिए, उनका भी तो गलती है ना। देखिए ये बोतल फेंक दिया इधर, कचरा वो सैंडल वैंडल फेंक दिए यार, कुछ भी फेंक देते हैं ना इधर, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत गंदा है। और वहाँ पे थोड़ा सा साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वैसे एक दो घाट नहीं ना है कि एक दो घाट को साफ सफाई रखा जाए, यहाँ पर 84 घाट है
84 घाट, और आपने वो देखा ही होगा वीडियो में, और वो अभी आपको आपने पीछे देखा ही होगा कि 45 घाट घुमाने को आपको ले लेंगे वो 150 रुपये और सेपरेट में 1500 रुपये। बाकी अभी चलते हैं। यहाँ पे आपको प्राचीन काल के चित्रण बनाया गया है, देख सकते हैं बहुत सारे ऋषि मुनि हैं और पेड़ पौधे हैं और पुराने ज़माने के मतलब जितने भी चित्रकला यहाँ पे बनाया गया है देख सकते हैं चारों तरफ से। बाकी आपको ये भी देख सकते हैं आप, इंटरलॉकिंग जो होता है रॉक जियोटेक स्टाइल में बनाया गया है। बाकी अभी हम चलते हैं लंका, उसके बाद में डिसाइड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी थक चुके हैं गाइज। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं लंका, उसके बाद देखेंगे विश्वनाथ मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। घाट के किनारे आपको अच्छे अच्छे खाने के लिए फूड वगैरह मिल जाएंगे जो कि घाट के नहीं है जाओ नहीं है भाई, हाँ जाओ नहीं दूंगा, मैं दूंगा ही नहीं, पैसा है मेरे पास। हाँ ये देख सकते हैं सामने है रामनगर का किला जो कि रामनगर में ही पड़ता है, और गंगा उस पर जो होता है वो बनारस पड़ता है, और इस पर जो पड़ता है वो रामनगर पड़ता है, जो किला है वो रामनगर में ही पड़ता है। बाकी हम तो ऑटो पकड़ लिए हैं कहीं और का, तो अंदर का व्यू नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कभी आपको अच्छे से इसका भी प्राइस देगी। इसका टिकट का प्राइस होता है लगभग 30 से 40 रुपये इसका प्राइस होता है अंदर जाने का, 30-40 रुपये है ना इसका प्राइस अंदर जाने का, 50 रुपये। और इसमें पुराने ज़माने के जितने भी आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी अभी तो हम चल रहे हैं DHU गेट पे, ये है रामनगर का किला देख लीजिए। इन्फॉर्मेशन वाराणसी का जितना कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ रामनगर के बारे में बता दिया आपको, और 84 घाट है, और आपको बोट के किराया बता दिया हमने, और आपको अगर पुराना विश्वनाथ मंदिर जाना है तो मणिकर्णिका घाट जाना पड़ता है, और नया विश्वनाथ मंदिर जाना है तो आपको जाना पड़ता है ये BHU गेट पे, BHU गेट से फिर अंदर जाना होता है। बाकी आज के ब्लॉग को फिलहाल यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।